मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने इन दिनों एक पहल लागू की हुई है। दरअसल ये पहल उन लोगों के लिए है जो रेड लाइट से निकलने के लिए लगातार हॉर्न बजाते रहते हैं, और ये मोटर व्हीकल एक्ट का सरासर उल्लंघन भी है। भले ही देश में 1 सितंबर 2019 से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया हो, नियमों का उल्लंघन करने पर भारी भरकम जुर्माना भी रखा गया हो, बावजूद इसके ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों की कमी नहीं है। मुंबई में आए दिन ट्रैफिक पुलिस रेड लाइट पर बेवजह हॉर्न बजाने वालों से परेशान थी। सड़क पर जाम लगता नहीं कि हॉर्न बजने शुरू हो जाते हैं, और अब इसी परेशानी से निजात पाने के लिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने नियम तोड़ने वालों को लेकर एक अनोखा प्रयोग किया है, जिसके तहत अगर कोई बेवजह रेड लाइट पर खड़े होकर हॉर्न बजाता है तो फिर ग्रीन सिग्नल दिखने में और देरी होगी। जी हाँ, हॉर्न आप जितना बजाएंगे उतना ही रेड लाइट का वक्त बढ़ जाएगा। दरअसल ये सब हो रहा है ट्रैफिक सिग्नल पर लगाए गए डेसिबल मीटर की वजह से, जिनको रेड लाइट से जोड़ा गया है। ऐसे में अगर उस सिग्नल पर तय लिमिट से ज्यादा डेसिबल की हॉन्किंग यानी हॉर्न बजाया गया तो ग्रीन लाइट होने में और ज्यादा वक्त लगेगा। पुलिस का इस बाबत कहना है 85 डेसिबल से ज्यादा हॉर्न बजा तो ग्रीन लाइट होने में और 1.5 मिनट का इंतजार बढ़ जाएगा और रेड लाइट फिर से शुरू हो जाएगी। मुंबई पुलिस ने इस मुहिम को हॉन्क मोर वेट मोर का नाम दिया है, यानी जितना ज्यादा हॉर्न आप बजाओगे उतनी ही ज्यादा देर ट्रैफिक सिग्नल पर इंतजार करना पड़ेगा। मुंबई पुलिस ने इस बाबत एक वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसकी सोशल मीडिया पर काफी सराहना हो रही है। मुंबई पुलिस को मिल रहे अच्छे रिस्पॉन्स से ये उम्मीद भी है कि कई और शहरों की ट्रैफिक पुलिस भी इस प्रयोग को अपनाएगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।